नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। आज हम बताएंगे आपको पान की खेती के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं पान की खेती। पान की खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती आ रही है। इसके महत्व का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। हमारी संस्कृति व धार्मिक रीति रिवाजों में पान के पत्ते का विशेष महत्व है। इसमें विटामिन ए, बी और सी के अतिरिक्त औषधीय गुण भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं व्यापारिक तथा नगदी फसल के रूप में भी पान की खेती की जाती है। जलवायु की बात करें तो पान छायादार, नम व ठंडे वातावरण में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक और समान रूप से होती है, इसकी बढ़वार अच्छी होती है। बात करते हैं मिट्टी की, तो पान की खेती क्षारी भूमि को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मध्यम से लेकर तलछट व मटियार दोमट, उत्तम जल निकास और अधिक जीवाश्म वाली भूमि में अति उत्तम होती है। बात करें खाद और उर्वरक की, तो मृदा परीक्षण कराकर उर्वरकों का प्रयोग उचित होता है। अच्छे उत्पादन के लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में खेत में देना चाहिए। इन उर्वरकों में से फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा पूरी तथा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई तथा रुपाई से 15-20 दिन पहले बेफल ड्रेसिंग के रूप में तथा शेष नाइट्रोजन 100 किलोग्राम वर्षा के मौसम में दो बार बराबर बराबर मात्रा में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नीम की खली 25-30 क्विंटल या तिल की खली 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह फड़ाकर कई बार प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। जिस खेत में पान की खेती करनी हो, उसमें जहां तक संभव हो गर्मी की जुताई मई जून में कर देनी चाहिए। अगस्त में 2-3 जुताई करके खेत खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि मिट्टी भुरभुरा बना रहे। अब बात करते हैं पान बरेजा या भीट बनाना। बरेजा निर्माण का कार्य प्रत्येक स्तर से मध्य फरवरी तक अवश्य पूरा कर लिया जाए, ताकि रोपाई समय से किया जा सके। विशेष ध्यान यह रखा जाए कि बुआई हेतु जो पारियां बनाई जाए वे लंबाई की दिशा में रहें। बरेजे की लंबाई यदि संभव हो तो पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाए, ताकि तेज हवा या प्रभाव का कम प्रभाव पड़े। अब बात करते हैं भूमि शोधन की। पान की फसल में लगने वाले रोगों के जीवाणु मिट्टी में लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं, अतः इससे बचने के लिए रोपाई से लगभग 24 घंटे पूर्व बोर्डो मिक्सचर या कॉपर जिंक फास्फाइड के 1% घोल द्वारा भूमि का शोधन कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पान की प्रजातियों की। प्रदेश में मुख्य रूप से देसी, कलकतिया, बंगाली एवं फाची आदि प्रजातियां उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं बुआई हेतु पान बेल का चुनाव तथा उपचार। रोपाई हेतु स्वस्थ एवं निरोग पान बेल का चुनाव 1 वर्ष के पुराने पौधे से करना चाहिए। रोपाई से पूर्व बेल को रोग रहित करने के लिए बोडो मिक्सचर या कापर फंजिसाइड तथा 500 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबोकर निकालना चाहिए। अब बात करते हैं रोपाई की समय का। रोपाई का समय भूमि एवं वातावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। बुआई के समय वातावरण का अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। अधिक तापमान में बेल सूखने की संभावना रहती है। पान की रोपाई मध्य फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक की जा सकती है। अब बात करते हैं बेल कटिंग की रोपाई। पहले से बनाए गए प्रत्येक सपरे पर 2 लाइनों में 1 गांठ तथा 1 पत्ती वाली स्वस्थ बेल एक स्थान पर 2-2 की संख्या में 10 से 15 सेमी की दूरी पर एवं 5 सेंटीमीटर गहराई में रोपाई करनी चाहिए। इस तरह से 1 हेक्टेयर बरेजे या भीट के लिए लगभग 3,50,000 बेल कटिंग की आवश्यकता पड़ती है। निराई गुड़ाई तथा सिंचाई आदि शस्त्र क्रियाएं आसानी से करने के लिए सफरी की आपसी दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखना चाहिए। रोपे गए पान की बेलों को सूखी घास या पत्ती से ढककर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की।
पान की फसल में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ग्रीष्मकालीन सिंचाई 2.5 घंटे के अंतराल पर दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। वर्षा के मौसम में सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई 7-8 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अब बात करते हैं पान बेल को सहारा देना एवं बांधना। बेलों को सहारा देने के लिए सनोवा, नरकट तथा बांस की पतली डंडी का प्रयोग करते हैं। जब पौधे की ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो जाए तो कांच की सहायता से बधाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद बात जो आती है लाल, पीली तथा काली मिट्टी के प्रयोग का। पौधे की जड़ों को ढकने के लिए तथा खुराक देने के लिए जून जुलाई में काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। लाल पीली मिट्टी का प्रयोग पौधे को उचित नमी प्रदान करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं मेढ़े बनाना। बारिश से आवश्यक खरपतवार निकालते रहना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में पारियों की मिट्टी को कुदाली से गुड़ाई करके 40 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर मेढ़े बनाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उनकी गुड़ाई करते हैं। अब बात करते हैं उपज की। समान रूप से पूरे वर्ष भर एक पौधे से लगभग 40 से 50 पत्ते प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोपाई के लगभग 3 माह बाद मूल्यवान पेड़ी का पान भी विक्रय योग्य हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pavanagriclinic.weebly.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए टाइप करें पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे नंबर 8960757566 पर SMS करें, या कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 8001801551 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई जानकारी में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी भी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगर कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम सुधार कर देंगे। धन्यवाद।